देखो ना, सबसे बड़ा सरमाया यानी माँ बाप का जो फरीजा है औलाद के सिलसिले में, जो फर्ज है वो क्या है, उनकी दीनी तरबियत करना, ये फरीजा है माँ बाप पर। अब माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि दीनी तरबियत उनकी फर्ज है, इसकी पूरी कोशिश करें, घर का माहौल, तालीमी इदारे का माहौल, और तीसरे नंबर पे कि उस बच्चे की जिंदगी में कैसी बच्ची आ रही, या उस बच्ची के जिंदगी में कैसा बच्चा आ रहा, जिससे उसका ईमान महफूज हो ना भाई, जिससे उसकी दीनदारी महफूज हो ना, ये मां बाप की जिम्मेदारी है, घर की जिंदगी, तालीमी इदारे की जिंदगी, आगे रफीका हयात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, दुनिया दौलत देखती है, हसब नसब देखती है, फखफुर बिदात दीन, कामयाब हो जाओ, तुम दीन का जोहर देखा करो, दीनदारी देखा करो, इसलिए कि यह हुसन ढल जाया करता है, ये दौलत हाथों की मैल है, आज आ कल कहीं और, काम की चीज क्या है जो इस जिंदगी के सफर में काम आएगी, मंजिल पे भी काम आएगी, वो दीन का सिक्का है, वो दीन का सिक्का है, वो दीन का जौहर है, इसे देखा करो, इसे रिश्तों की बुनियाद बनाओ। और जाहिर है जब इस चीज को हम बुनियाद बनाएंगे तो फिर रस्म और रिवाज से भी बचना आसान होगा। जब दुनिया को हम बुनियाद बनाएंगे ना रिश्तों की, तो फिर शिकवे शिकायत बहुत होंगे, और फिर कभी कोई राजी भी नहीं होगा, और कभी कोई मुतमईन ही नहीं होगा, दे देकर भी थक जाएंगे, तब भी आगे वाले को मुतमईन करना मुश्किल। लेकिन बुनियाद अगर दुनिया बनाई, दुनियादारी को अगर आप बुनियाद बनाएंगे, फिर रस्म और रिवाज को नहीं खत्म कर सकते। और अगर दीनदारी को बुनियाद बनाएंगे, दीनदारी तरजीह बनेगी, तो फिर आसान होगा रस्म और रिवाज से पाक इस इबादत का एहतमाम। तो ये बढ़िया इबादत है, अल्लाह हम सब के लिए हमारी औलादे हमारी आंखों की ठंडक बनाए। मेरे अजीजो, हम दुकान पे सरमायाकारी करते हैं ना, और फैक्ट्री में सरमायाकारी करते हैं, और जमीन पे सरमायाकारी करते हैं, और पेश नजर यह होता है नफा आएगा, कमाई आएगी, काम बनेगा। अच्छा, दुकान की सरमायाकारी कब तक आपको काम आएगी, फैक्ट्री की सरमायाकारी कब तक काम आएगी, कारखाने की सरमायाकारी कब तक काम आएगी? लेकिन अगर औलाद में सरमायाकारी करेंगे ना, इसका नफा खरबों साल आएगा। बेहतरीन जमीन है सरमायाकारी की औलाद, इसमें सरमायाकारी करेंगे, इसका नफा खरबों साल आएगा, मजे करेंगे। और औलादे भी आपको दुआएं देंगी, आप कब्रों में जाएंगे, आपकी औलादे आपको नेकियों का तोहफा भेजती रहेगी। आप कल अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, ये औलादे आपके लिए बायस इज्जत होंगे, आपके लिए बायस इज्जत बनेंगी, आपकी दुनिया आखरत में आंखों की ठंडक बनेगी। अल्लाह हम सबके औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए, और जो औलादों की जिम्मेदारियां माँ बाप और हम पर हैं, अल्लाह उनको अदा करना हम सब के लिए आसान फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।